फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अम्मा से इस तरह बर्ताव करने की, मौसी का अपमान करने की? मैं नहीं था तो तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है और ढूंढने लगी हो तुम। बोलो। वो दामाद जी मैं हूं। अपने परिवार का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कह देता हूं मैं आपसे। अरे अम्मा से ही गलती हो जो रिश्ता लेकर आप लोगों के पास चली। इतना अच्छा लड़का है, इतना बड़ा सिंगिंग स्टार, अब कहां वो अनपढ़ लक्ष्मी? सच कहूं ना तो वो सृष्टि के लायक ही नहीं। अरे है क्या उसमें, सोने जा रही है क्या लक्ष्मी में? वैसे तो मैं मंगल से हमेशा ही गुस्सा रहता हूँ, बट अभी इस सीन में ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस से आया हूँ। ऑफिस से मैंने सौम्या को बोला है कि कार्तिक और लक्ष्मी की शादी होने वाली है, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली बोला हूँ। और जब मैं घर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि अम्मा जो रिश्ता लेकर उनके घर गई थी, लक्ष्मी के घर, वहाँ पर मंगल ने रिश्ते से मना कर दिया बिकॉज कार्तिक वहाँ नहीं था। और उस मंगल को ऐसा लगता है कि कार्तिक की भी राय देखनी चाहिए हमें। क्या पता कार्तिक खुश ना हो इस रिश्ते से, बिकॉज मंगल के साथ ऐसा हो चुका है कि मैं नहीं खुश था फिर भी मैंने शादी की अपने अम्मा के कहने पर, तो कार्तिक भी ऐसा ही कुछ ना कर रहा हो, इसलिए मंगल फिलहाल उसने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया है। सोचकर मंगल ने इस रिश्ते को मना किया? क्या सोचकर मंगल ने इस रिश्ते को मना किया? उसे लगा हम उसकी हरकत बर्दाश्त करेंगे? दामाद जी माफ कर दीजिए ना, क्या कहें, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मंगल के लिए कह रहा हूँ। अभी भिजवा दूंगी, कोई जरूरत नहीं उसका फोन भिजवाने की। और एक काम कीजिए आप, अपनी बेटी और उसका फोन दोनों अपने पास ही रखिए हमेशा के लिए। तो और मेरी अम्मा और मेरी मौसी को वहाँ बहुत एम्बैरसिंग फील हुआ और वो लोग छोड़कर आ गए मंगल को लक्ष्मी के घर पर ही। और यहाँ आने के बाद अम्मा बहुत ही सैड फील कर रही है, बहुत ह्यूमिलेटेड फील कर रही है और मुझे बता रही है कि ऐसा किया मंगल ने कि उसने शादी से मना कर दिया लक्ष्मी और कार्तिक के। तो मैं बरस रहा हूँ अम्मा पे कि मंगल की इतनी हिम्मत कैसे होगी, शायद मैं वहाँ नहीं था इसलिए उसे पड़ लग गए, अगर मैं रहता तो उसकी अकड़ ठिकाने लगा देता। और मैं गुस्से में मंगल को कॉल करता हूँ फिर, और फिर बहुत सुनाता हूँ, और फिर इसी वक्त मंगल वापस घर आ जाती है और फिर सुनाता हूँ मैं उसे। शुक्र है भगवान का कार्तिक लक्ष्मी से मिलने के लिए तैयार। क्या मम्मी अब आपको मेरी परवाह नहीं है? लक्ष्मी से शादी करने के लिए कार्तिक पांड्या इस बार खुश हो रही है। अगर उनकी स्टोरी बननी थी तो यहाँ क्या मैं सुबह से साड़ी पहनकर तैयार होकर आइटम डांस कर रही थी? अरे मैं तो तेरी कहानी बनाना चाह रही थी, पर एक बेटी का घर तोड़कर दूसरी का तो नहीं बसा सकती। देखा था मंगल के ससुराल वाले कितना गुस्सा हो रहे थे। मैं तो डर गई थी जब दामाद जी ने ये कहा कि अपनी मंगल को अपने ही घर रखो। जो भी हो मेरा दिल तो टूट गया ना मम्मी, मेरे सपने तो टूट गए। अरे बल्ला बावले मेरी बात सुन, अभी सिर्फ रिश्ते की बात हुई है, सिर्फ बात। मंगल का घर बचेगा जब ही तो दूसरे का बसेगा, फिर तेरा रास्ता साफ होगा और मेरा काम आसान। ये तो मैं साबित करके रहूंगी कि लक्ष्मी कार्तिक के लायक है ही नहीं, ससुरे गधे हैं जो इस लक्ष्मी को अपने घर की बहू बनाना चाह रहे। तेरे सामने क्या औकात है उसकी? आ गई है महारानी। सिर्फ मंगल और मतलब अदित और अम्मा के कहने पर नहीं, मंगल बहुत क्लियर है अपने बहन को लेकर। जब तक उसे नहीं लगता कि ये सही है रिश्ता वो हाँ नहीं बोलेगी, तो शी विल टेक हर टाइम और वो यही कोशिश करेगी कि कार्तिक और लक्ष्मी भी एक दूसरे से मिले। जब तक कार्तिक हाँ नहीं बोलता इस रिश्ते के लिए, जब तक लक्ष्मी हाँ नहीं बोलती इस रिश्ते के लिए, तब तक वो शादी नहीं करवाएगी। शी इज़ वेरी क्लियर कि खुद वो प्रेशर में आ जाती है, पर अपने बहन को लेकर जब रहती है बात तो वो प्रेशर में नहीं आती। थैंक यू।